हाँ जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एचएल सैनी और टेक्निकल गुरु एचएल सैनी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और ट्रांजिस्टर में भी अगर मैं बात करूँ तो हमने बीजेटी के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज के लेक्चर में जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे एफईटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना समय खराब किए हुए आज का टॉपिक डालिए एफईटी। तो आज जो हमारा अध्ययन का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एफईटी, जिसकी पूर्ण फॉर्म क्या होती है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है एक बार फिर से सुनो, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और इसे हिंदी में कहा जाता है क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। अब बात करते हैं कि ये क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो दोस्तों क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर एक तीन टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र के द्वारा धारा को नियंत्रित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र बोल दीजिए या वोल्टेज बोल दीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने बीजेटी में पढ़ा था कि बीजेटी में धारा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कहने का सीधा सा मतलब हुआ कि बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, धारा नियंत्रित युक्ति है। जबकि अगर मैं बात करूं एफईटी की, तो यह एक वोल्टेज नियंत्रित या क्षेत्र प्रभाव नियंत्रित युक्ति है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, हेट पूर्ण फॉर्म क्या है, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। तो ओरिजिनली हम बोलते क्या हैं कि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर एक तीन टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति होती है जिसमें क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा धारा का मान नियंत्रित किया जाता है। अगर विद्युत क्षेत्र वर्ड नहीं बोलो तो इसकी जगह तुम वोल्टेज शब्द भी काम में ले सकते हो। फिर अगली बात अगर मैं स्मरण करना चाहूँ तो दोस्तों बीजेटी एक बाईपोलर युक्ति थी, द्विध्रुवीय युक्ति थी, जहाँ पर धारा का प्रवाह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के कारण, मतलब मेजोरिटी और माइनॉरिटी कैरियर दोनों के कारण होता था। लेकिन ये उससे अलग है, अर्थात फैट है एक मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है, बहुसंख्यक आवेश वाहक युक्ति है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें धारा का प्रवाह या तो केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होगा या फिर केवल होल के कारण ही होगा। तो आप भी जानते हो कि यदि इलेक्ट्रॉन और होल अगर यहाँ जहाँ दोनों होते हैं तो वहाँ टकराएंगे तो आवाज ज़्यादा होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि बीजेटी में नॉइस अधिक होती है लेकिन फैट में नॉइस क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि यह एक मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है, यह एक यूनिपोलर युक्ति है। यूनिपोलर मतलब एकल ध्रुवीय, या तो केवल इलेक्ट्रॉन के कारण और या केवल किसी होल के कारण होती है। फिर हमने बात की थी कि बीजेटी है, उस बीजेटी की इनपुट प्रतिबाधा होती है कम और आउटपुट प्रतिबाधा होती है ज़्यादा। तो इससे क्या पता लगता आप लोगों को कि जो हमारा बीजेटी है उस बीजेटी में जो इनपुट संधि होती है, जो इनपुट आपके पास में संधि है वो अग्रबायस में, आउटपुट वाली पश्चबायस में होती थी, इसलिए इनपुट प्रतिबाधा क्या होती थी, कम। लेकिन फैट की जो इनपुट संधि है वो कौन सी बायस में होती है, पश्च बायस में। कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि बीजेटी की इनपुट इम्पीडेंस लो होता है लेकिन फैट का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, हाई होता है। बीजेटी एक धारा नियंत्रित युक्ति है जबकि ये क्षेत्र नियंत्रित या वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है। क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये छोटी छोटी बातें एक बार हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। सभी बातों को एक बार लिखिए, तो लिखो फैट नहीं लिख पाओ तो इसे पूरा शब्द लिख लो, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। फैट नहीं लिख पाओ तो क्या लिखोगे अंग्रेजी में, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर एक तीन टर्मिनल वाली, अर्धचालक युक्ति है। कितने टर्मिनल की है मेरे दोस्तों, तीन टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति है जिसमें
विद्युत क्षेत्र नहीं लिखो तो शब्द वोल्टेज भी लिख सकते हो, ठीक है ना, जिसमें विद्युत क्षेत्र के द्वारा धारा को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा धारा नियंत्रित हो रही है यहां पर? विद्युत क्षेत्र अर्थात वोल्टेज के द्वारा धारा को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये कौन सी युक्ति हो जाएगी? तो वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस हो जाएगी, एक वोल्टेज नियंत्रित युक्ति हो जाएगी। अर्थात FET एक वोल्टेज नियंत्रित युक्ति, अंग्रेजी में बोले तो वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। तो दो बातें मोटी मोटी हो गई कि यह एक तीन टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति है जिसमें विद्युत क्षेत्र के द्वारा धारा को नियंत्रित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि FET एक वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है, लेकिन अगर इसकी तुलना मैं किससे करूं? BJT से। तो जबकि BJT मतलब संधि ट्रांजिस्टर, जबकि BJT एक धारा नियंत्रित का मतलब हो गया करंट कंट्रोल, एक धारा नियंत्रित युक्ति है। ओके, FET एक बहुसंख्यक वाहक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेजॉरिटी कैरियर वाहक युक्ति है। अर्थात FET में धारा का प्रवाह या तो इलेक्ट्रॉन क्या ये बातें लिख ली हैं? हाँ या ना? तो देखो इससे आगे की बातें लिखते हैं हम। तो केवल किसी एक के कारण धारा का प्रवाह हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन के कारण या होल के कारण, इसलिए हम क्या कहते हैं कि FET एक यूनिपोलर युक्ति है। यूनिपोलर का मतलब, यूनि का मतलब एक और पोलर का मतलब ध्रुवीय, अर्थात ये एकल ध्रुवीय युक्ति है। जबकि BJT एक द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय बोले तो बाइपोलर, एक द्विध्रुवीय युक्ति है। देखो साथ के साथ में मैं लिख रहा हूं, तो साथ के साथ में ही आप अपने पेन कॉपी लेके बैठे और साथ में ही उतार ले बिना समय खराब किए हुए। तो FET एक यूनिपोलर युक्ति है, जबकि BJT कैसी है? बाइपोलर, क्योंकि FET में धारा का प्रवाह केवल या तो इलेक्ट्रॉन के कारण या केवल होल के कारण होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन और होल होंगे तो इसमें आवाज़ क्या होगी? ज़्यादा होगी, और FET में आवाज़ क्या होती है? कम होती है। तो लिखो FET में या FET यूनिपोलर होने के कारण इसमें आवाज BJT की तुलना में
कम होती है। और दोस्तों एफईटी की जो इनपुट संधि है वो पश्चिम बायस में होती है, अर्थात इसकी इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, उच्च होती है, जबकि बीजेटी की इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, निम्न होती है। लिखो एफईटी की निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा अंग्रेजी में बोले तो इनपुट इम्पीडेंस, उच्च होता है जबकि जबकि बीजेटी की निवेशी प्रतिबाधा निम्न मतलब लो होती है। दोस्तों जिस प्रकार बीजेटी में तीन टर्मिनल थे उसी प्रकार एफईटी में भी कितने टर्मिनल होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं, जिन्हें गेट, ड्रेन और क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। ठीक है, लिखो एफईटी में तीन टर्मिनल होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं जिन्हें जिन्हें गेट, ड्रेन तथा सोर्स बोल दो या स्रोत कहते हैं। एफईटी में भी तीन टर्मिनल होते हैं और बीजेटी में भी तीन टर्मिनल होते हैं। बीजेटी के तीन टर्मिनल को हम बोलते हैं एमिटर, उत्सर्जक और क्या बोलते हैं उसे हम, बेस। यहाँ पर जो तीन टर्मिनल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। दोस्तों जो गेट होता है वो नियंत्रक टर्मिनल होता है और ड्रेन तथा स्रोत होते हैं वो मुख्य टर्मिनल होते हैं। कहने का मतलब ये किसका काम करता है, कंट्रोलिंग का कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य करता है। इस बात को लिख लीजिए, गेट एक नियंत्रण टर्मिनल है, गेट एक नियंत्रण टर्मिनल है या नियंत्रक टर्मिनल है, जबकि ड्रेन तथा सोर्स मुख्य टर्मिनल है, मुख्य टर्मिनल है। तो ये तो बात हो गई आपकी थियोरेटिकल बातें, क्या क्या हमारे फैट के अंदर होता है। एक बार सभी लोग फिर से सुन लीजिए, फटाफट से बोल देता हूँ कि फैटी एफईटी का मतलब है क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। तो एफईटी एक तीन टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति है जिसमें विद्युत क्षेत्र अर्थात वोल्टेज के द्वारा धारा को नियंत्रित किया जाता है। कहने का मतलब एफईटी एक वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है, यह एक बहुसंख्यक आवेश वाहक युक्ति है। कहने का मतलब इसमें धारा का प्रवाह या तो इलेक्ट्रॉन या केवल होल के कारण होता है। कहने का मतलब बीजेटी एक यूनिपोलर डिवाइस है, अगर यह यूनिपोलर है तो इसमें आवाज़ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि केवल एक ही प्रकार की चीज़ प्रवाहित होगी तो किसी प्रकार का टकराव कम से कम होगा, जबकि बीजेटी में टकराव ज़्यादा होता है क्योंकि वो कौन सी युक्ति है, बाइपोलर है। इसकी इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, उच्च होती है, क्यों, क्योंकि इसका जो इनपुट संधि है वो कौन सी बायस में होती है, पश्चिम बायस में होती है। अगर मैं बात करूं बीजेटी का इसके सापेक्ष, तो बीजेटी एक करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है, इनपुट प्रतिबाधा कम होती है, वह एक बाइपोलर युक्ति है और इसमें नॉइस क्या होती है, अधिक होती है। तो इससे तुलनात्मक चारों की चारों चीज़ हो गई, यह एफईटी वोल्टेज कंट्रोल, तो बीजेटी करंट कंट्रोल्ड, बी एफईटी यूनिपोलर, बीजेटी बाइपोलर। एफईटी की इनपुट प्रतिबाधा उच्च, बीजेटी की इनपुट प्रतिबाधा निम्न। ठीक है, यहाँ पर एफईटी में आवाज़ कम और बीजेटी में आवाज़ अधिक होती है, लेकिन दोनों में ही टर्मिनल समान होते हैं, वहाँ तीन होते हैं, यहाँ पर भी तीन होते हैं। वहाँ पर उनका नाम दिया जाता है एमिटर, बेस और कलेक्टर, और यह नाम दिया जाता है गेट, ड्रेन और सोर्स। वह बेस कंट्रोल टर्मिनल था और एमिटर और कलेक्टर क्या थे,
मुख्य टर्मिनल थे, यहाँ पर गेट कंट्रोल टर्मिनल है और ड्रेन तथा सोर्स क्या है, मुख्य टर्मिनल है। सभी दोस्तों को ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एफईटी है, ये एफईटी भी मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक एन चैनल और दूसरा पी चैनल। तो अभी हम उन दोनों के बारे में जानेंगे। तो लिखो, एफईटी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एफईटी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। वैसे तो मैंने आपको जे फैट और मोसफेट लिखा है, लेकिन अगर फैट की जगह जे फैट की जगह सिंपल फैट से भी समझोगे तो वही मतलब निकल करके आएगा। देखो, अगर मैं सच्चाई बताऊं तो आईटीआई लेवल पर आप कोई भी बुक उठा लो, एफईटी के बारे में आपको 4-5 लाइन से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे क्योंकि एग्जाम में आजकल अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो, एक होता है एन चैनल फैट और एक कौन सा होता है, पी चैनल फैट। पी चैनल फैट दोनों के बारे में अभी जानेंगे कि सर ये एन चैनल फैट क्या है और पी चैनल एफईटी क्या है। फैट बोल देता हूं या एफईटी समझ जाओ। अब आपको दोनों शब्दों को पहले सुनना है कि एन चैनल फैट किस बला का नाम है और पी चैनल फैट किस बला का नाम है। तो सुनो दोस्तों कि मैं लेता क्या हूं मुख्यतः, एक मैंने क्या ले लिया, एक एन प्रकार का अर्धचालक। जो ये पूरा डिब्बा है ये है क्या, एक एन प्रकार का अर्धचालक है। और यहां पर मैंने एक डिब्बा लिया है, ये डिब्बा कौन सा है, पी प्रकार का अर्धचालक है। तो आप समझ गए होंगे कि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन और पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होते हैं, होल होते हैं। तो ये ओरिजिनल ले लिया, ओरिजिनल ये एन प्रकार का अर्धचालक और ओरिजिनल ये पी प्रकार का अर्धचालक। तो सुनो, एन चैनल फैट बनाने के लिए करते क्या है। तो दोस्तों, इसमें हैवी डोपिंग के, हैवी डोपिंग मतलब जिसमें डोपिंग क्या की गई है, ज़्यादा की गई है, अशुद्धि अपमिश्रण मादन ज़्यादा मिलाया गया है। तो हैवी डोपिंग मतलब अधिक डोपिंग के दो गेट फंसा देते हैं। अब वो गेट कौन से प्रकार के होंगे, पी टाइप के। मतलब ओरिजिनल चीज है, गर्म करके क्या डाल दिया हमने, पी प्रकार के पदार्थ डाल दिए दो पी प्रकार के पदार्थ। और ये दोनों पी प्रकार के पदार्थ में क्या हैवी डोपिंग है, और इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। और ये जोड़ने पर जो टर्मिनल बनेगा, ये टर्मिनल ही कौन सा टर्मिनल होता है, गेट। ये टर्मिनल ही कौन सा टर्मिनल कहलाता है, गेट वाला सिरा। क्या बताया मैंने कि जब एन प्रकार के अर्धचालक में हैवी डोपिंग के दो पी सबस्ट्रेट अंदर डाल देते हैं और उनको एक साथ जोड़ देते हैं तो कौन सा टर्मिनल बनता है, गेट। और बाकी जो बचा हुआ है इसमें से एक सिरा कहलाता है क्या, ड्रेन, और दूसरा सिरा क्या कहलाता है, सोर्स, या हिंदी में बोलो तो इसे स्रोत। तो हमारे पास में कुल कितने टर्मिनल थे, तीन, गेट, ड्रेन और सोर्स। तो ओरिजिनल एन प्रकार का था, हैवी डोपिंग के दो पी क्या डाल दिए, पी प्रकार के, गेट, दोनों को एक साथ शॉर्ट करके जोड़ दिया। अगर मुझे यहाँ पी प्रकार का अर्धचालक है तो मुझे हैवी डोपिंग के क्या डालने पड़ेंगे, दो, एन प्रकार के क्या डालने पड़ेंगे, गेट डालूंगा। तो दो हैवी डोपिंग एन प्रकार के मैंने क्या डाल दिए, गेट डाल दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्रोत, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ड्रेन। तो आप देख रहे हो कि दो इन पी के बीच में क्या बन रहा है, एक एन प्रकार का अर्धचालक है। तो ये एक तरीके से कौन सा चैनल बन गया, एन चैनल। इसलिए इस फैट का नाम क्या पड़ा, एन चैनल फैट। यहाँ क्या बन रहा है ओरिजिनल में, पी, तो ये कौन सा चैनल बनेगा, पी चैनल। अरे चैनल का मतलब गुजरने का रास्ता या मार्ग ही तो होता है, तो ये इनके बीच में होकर के ये चैनल ही तो बन रहा है। और इस चैनल में है क्या, पी प्रकार का अर्धचालक। यहाँ जो चैनल बन रहा है उसमें क्या है, एन प्रकार का अर्धचालक। इसलिए इसको क्या नाम दिया, एन चैनल फैट, और इसको क्या नाम दिया, पी चैनल फैट। अगर मैं इसका प्रतीक बनाने की कोशिश करूं तो आप जानते हो
कि प्रतीक बनाऊंगा तो ओरिजिनली देखो इसका प्रतीक कुछ ऐसा होगा। ये स्रोत का टर्मिनल और ये ड्रेन का, ऐसे ये ड्रेन ये रहा और स्रोत ये रहा, और ये कौन सा टर्मिनल है? गेट का। गुरुजी अब बताओ तीर का निशान लगाए तो कहाँ लगाएं? तो दोस्तों तीर का निशान क्या कहता है कि हमेशा वहां पर देखते थे बेस की तरफ, तो देखो ये पी से एन की ओर ही धारा जाएगी कि नहीं जाएगी? धारा हमेशा पी से एन की ओर ही जाती है, तो इसका मतलब गेट से क्या हो रही है, ये निकल रही है, तो गेट वाले से निकलेगी तो तीर का निशान ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना, क्या यही वाली बात आएगी कि नहीं आएगी? कहने का मतलब धारा पी से एन की ओर ही होती है, तो कुछ इस प्रकार का तीर का निशान नजर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? एन चैनल फैट। ये किसका डायग्राम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? एन चैनल फैट का प्रतीक है ये। अगर मैं यहां पर देखूं तो धारा आएगी पी से एन, तो गेट से बाहर निकलने की बात करेगा तो तीर का निशान कौन सी ओर आएगा? बाहर की ओर आएगा। तो ज्यादा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ये ड्रेन, ये सोर्स और ये कौन सा? गेट। लेकिन इस बार डायरेक्शन क्या आएगी? बाहर की ओर आएगी कि नहीं आएगी? अक्सर ये जो प्रतीक है एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए दिमाग में हमेशा डायरेक्शन क्या पता होनी चाहिए, पी से एन की ओर होती है। तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? पी चैनल फैट। ये कौन सा हो जाएगा? पी चैनल फैट। तो दोस्तों दो प्रकार के बारे में आपने जान लिया, अब इनकी अब डिटेल पढ़ेंगे। सिर्फ पहले तो हमने ये देखा है कि एन चैनल फैट और पी चैनल फैट बनता कैसे है, ठीक है? तो एन चैनल फैट में कौन सा चैनल बनता है? एन चैनल। और पी चैनल फैट में कौन सा चैनल बनता है? पी चैनल। और इस बात की अगर मैं थ्योरी नहीं भी लिखाऊं तो शायद बोलते ना गुरुजी हमको भी आते, इतने मूर्ख तो हम भी नहीं है। और दोनों में ही टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? तो ड्रेन, गेट और सोर्स। गेट कंट्रोल टर्मिनल है, ड्रेन और सोर्स मुख्य टर्मिनल होते हैं, ठीक है ना? तो ये दोनों बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अगर अब हमें देखना चाहे कि एन चैनल है तो यहाँ पर बहुसंख्यक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। और पी चैनल होगा तो इसमें बहुसंख्यक क्या होंगे? होल। तो यहाँ पर धारा का प्रवाह किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण। और यहाँ पर धारा का प्रवाह किसके कारण होगा? होल के कारण होता है। तो ये दो तीन बातें इनकी कॉमन है, उनको लिखेंगे अपन एक बार। आप या तो यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा जल्दी कीजिए आप लोग। तो इसकी कुछ बातें मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ फटाफट से। मैन अगर ये डायग्राम भी नहीं बना पाओ तो प्रतीक जरूर बना लेना, ठीक है ना? तो दोनों की जो कुछ बातें मैं लिख देता हूँ कि इसमें क्या बनता है। एन चैनल की पहली बात क्या है कि इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तथा इसमें एन चैनल बनता है। कौन सा चैनल बनता है? एन चैनल बनता है। सही बात है कि नहीं है? हाँ या ना? और यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों? पी चैनल। और आवेश वाहक क्या होते हैं? होल। तो लिखो इसमें किसमें? पी चैनल में। इसमें मुख्य लिख दिया क्या? ये बहु है यार। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं तथा इसमें पी चैनल बनता है। भाई टर्मिनल तो चाहे वो एन चैनल हो चाहे पी चैनल हो, दोनों में ही क्या होते हैं?
तीन टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। इसलिए ध्यान रखना कि अब हम कार्य प्रणाली समझेंगे कि कैसे ये काम करेगा। तो इस कार्य प्रणाली को समझने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको एन चैनल से समझ लो या फिर पी चैनल से समझ लो, क्योंकि मतलब तो एक ही आएगा कि अलग आएगा, एक ही आएगा। इसलिए अब हम क्या समझेंगे, फैट की कार्य प्रणाली। और मैं समझने के लिए कौन सा काम मैं ले लेता हूँ, एन चैनल काम में ले लूँ, कोई दिक्कत किसी को, आप चाहो तो कमेंट कर दो, मैं पी चैनल से भी कर दूंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से, तो आगे बढ़ते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्लासें बीच बीच में मिस हो रही थी, अब इस बार क्लासें तभी दम लेंगी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कई बच्चों के बहुत कॉल मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी क्लास लोगे कि नहीं लोगे, क्या है क्या नहीं है। क्लासें लेंगे लेकिन कुछ समय लग जाता है, कई बार समय होता है। तो अब हम देखेंगे एन चैनल के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, एन चैनल FET। दोस्तों आप इस बात को पी चैनल से भी समझ सकते हो और एन चैनल से भी समझ सकते हो। अब हम इसकी कार्य प्रणाली देखेंगे कि एन चैनल फैट कार्य कैसा करता है। तो थोड़ी देर बोर्ड की तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। हाँ जी, तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास में क्या होता है, ये मान लो एन प्रकार का अर्धचालक है और हैवी डोपिंग का क्या लगा दिया हमने, पी प्रकार के दो इसके अंतर्गत क्या डाल दिए, गेट, और दोनों गेटों को क्या कर दिया हमने, शॉर्ट कर दिया, दोनों गेटों को क्या कर दिया हमने, शॉर्ट कर दिया है। और यहाँ पर कौन सा टर्मिनल ले लिया काम में, गेट टर्मिनल, तो ये टर्मिनल हो गया, ये कौन सा टर्मिनल हो गया, गेट। अगर इसको मैं अगर यूँ कहना चाहूँ कि ये टर्मिनल अगर मैं क्या निकाल रहा हूँ, बाहर, इसका मतलब इस पर टच नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। तो ये टर्मिनल कौन सा है, सोर्स का है, और ये टर्मिनल कौन सा है, ड्रेन का है। तो अब हम इसको कार्य प्रणाली को देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सप्लाई से जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आदतन जो FET है उसकी जो इनपुट साइड होती है वो हमेशा कौन सी बायस में होती है, रिवर्स बायस में होती है। और रिवर्स बायस में जब कैसे हो सकता है कि अगर पी वाले को बैटरी के कौन से सिरे से जोड़ू, ऋण सिरे से जोड़ू, तो ये हो जाएगा। तो ये वोल्टेज किस किस के बीच में है, जी और एस के बीच में, इसलिए इस वोल्टेज को क्या नाम दिया जाता है, VGS। और यदि मैं ध्रुवता की प्रणाली के अनुसार देखूं तो ये जो VGS वोल्टेज है एक तरीके से धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ऋणात्मक कंसिडर करते हैं, तथा इसे हम क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। ओके, तो ये इनपुट संधि को, इनपुट वाली मतलब गेट और सोर्स संधि को कौन सी बायस में करते हैं, हम अग्र बायस में कि पश्चिम बायस में, तो जवाब आएगा पश्चिम बायस में। लेकिन आगे वाली जो संधि है इसको कौन सी बायस में, अग्र बायस में। भाई ये पूरा कौन सा चैनल है, एन चैनल है कि नहीं है, तो अगर इसको अग्र बायस में करना है, अगर इसको अग्र बायस में करना है तो इसे बैटरी के कौन से सिरे से जोड़ना पड़ेगा, ऋण सिरे से जोड़ना पड़ेगा। तो ये वोल्टेज किसके बीच में, ड्रेन और सोर्स के बीच में, तो VD और S। और अब मुझे ये बताओ आप लोग एक बार, छोटी छोटी बातें हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पर कि ये कैसे कैसे काम करेगा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, केस नंबर पहला कि ये काम कैसे करेगा। तो देखिए जरा कि सबसे पहले मैं VGS का मान क्या ले लेता हूँ, जीरो। एक कंडीशन से शुरू करते हैं ना कि मैं इनपुट पर ये VGS वोल्टेज को क्या मान लेता हूँ, जीरो। तो जब अगर मैं इसको जीरो मानूंगा तो कुछ ये ऐसे ही जुड़ेगा, हाँ या ना, क्या यही बात कहना चाह रहा है कि नहीं कहना चाह रहा है। जीरो वोल्टेज का मतलब ये वाली टर्मिनल क्या है, शॉर्ट हो रहा है। तो देखो जब ये शॉर्ट होगा तो क्या ये किसी प्रकार की इसकी आवश्यक प्रत घटेगी या बढ़ेगी क्या, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अब आउटसाइड में देखते हैं यहाँ, तो VDS, तो VDS में देखो हम क्या कर रहे हैं कि इस तरफ क्या जुड़ रहा है, N से N जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। लेकिन इस तरफ सोच के देखो नीचे की साइड,
कि ये टर्मिनल कौन सा है, प्लस, और जुड़ कहाँ रहा है, ये भी एन में ही जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, बोलो हाँ या ना, सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। तो ये कौन सी बायस में नजर आएगा नीचे की तरफ से? अरे यार एन का बैटरी के प्लस से जुड़ना कौन सी बायस? पश्चिम बायस। लेकिन ऊपर की साइड देखूंगा तो ये कौन सी बायस में नजर आएगा? अग्र बायस में नजर आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरफ की अवक्षय परत क्या होगी मोटी, इस तरफ की अवक्षय परत क्या होगी पतली, क्योंकि यहां तो अग्र बायस है कि नहीं है, तो यहां अवक्षय परत क्या होगी मोटी और उधर तरफ क्या होगी पतली। इसी प्रकार यहां होगी मोटी, इस तरफ होगी पतली, इस तरफ मोटी और इस तरफ पतली। सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो मुझे बताओ जैसे ये वोल्ट आरोपित होगी तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ये जो एन चैनल में क्या उपस्थित है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? बैटरी के ऋण सिरे की ओर आकर्षित होंगे या नहीं होंगे? तो ये इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से जाना चाहेंगे। तो मुझे बताओ धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित होगी? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। कहने का मतलब ये धारा इस दिशा में होगी। तो ये धारा ड्रेन से सोर्स की ओर अर्थात ये आ रही है, तो इस धारा को नाम दिया जाता है आई डी, और आई डी का मतलब होता है ड्रेन करंट। क्या कहा जाता है? ड्रेन धारा। क्या नाम दिया जाता है इसे? ड्रेन करंट या ड्रेन धारा। ठीक है, अगर मैं काम करूं अब कि यहां पर वोल्टेज आरोपित करने लग जाऊं, मान लो मैंने कितना आरोपित कर दिया, एक वोल्ट भाई, माइनस में तो एक तरीके से माइनस का एक वोल्ट आएगा। अब बताओ ये माइनस का वोल्ट आरोपित करूंगा तो ये पश्चिम बायस और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ या ना बढ़ेगी? तो ये देखो और अवक्षय परत बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? और अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो और अवक्षय परत बढ़ेगी, तो एक बहुत छोटा सा संकीर्ण सा चैनल बचेगा कि नहीं बचेगा? किसको गुजरने के लिए? इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए, अर्थात एक छोटा सा चैनल ही तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एन चैनल फैट। क्या नाम दिया था इसे? एन चैनल। तो इसमें कौन सा चैनल बन रहा है? एन चैनल। धारा कहां से कहां आ रही है? तो इधर ड्रेन में क्या हो रही है? प्रवेश कर रही है। देखो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाएंगे उसके विपरीत दिशा में धारा आएगी कि नहीं आएगी? तो यहां पर धारा की दिशा है जो ड्रेन करंट है वो कहां से कहां आ रही है? ड्रेन से सोर्स की ओर प्रवाहित होती है। बोलो हाँ या ना, क्या यही बात हो रही है कि नहीं हो रही है? कुल मिला के बात क्या हुई कि तुम इस वोल्टेज को नियत रखते हुए इस वोल्टेज को तुम बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो अवक्षय परत क्या होती जाएगी? ये बढ़ती जाएगी और अंत में इनके बीच में एक फिक्स चैनल बन जाएगा, उसमें से केवल एक निश्चित मात्रा के क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन और होल प्रवाहित होते हैं। तो उस अधिकतम VDS वोल्टेज के मान को ही, कि जिस VDS वोल्टेज पर, जिस वोल्टेज पर, और कौन सा वाला? VDS, क्योंकि इसको तो हम क्या कर रहे हैं? नियत इनपुट के वोल्टेज को नियत रखते हुए आउटपुट वोल्टेज के जिस मान पर हमारा चैनल क्या हो जाए? एक नियत हो जाए और इसमें से एक निश्चित मान की क्या जाने लग जाए? धारा जाने लग जाए। उस वोल्टेज को क्या कहा जाता है? पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है। ये टेक्निकल हेल्पर 2018 में पूछा है कि पिंच ऑफ वोल्टेज का संबंध किससे है, तो FET से। पिंच ऑफ वोल्टेज होता क्या है? तो VDS वोल्टेज का वह न्यूनतम मान जिस पर धारा का मान क्या हो जाए या ड्रेन धारा का मान क्या हो जाए? संतृप्त हो जाए और एक नियत मान की धारा प्रवाहित होने लग जाए। कहने का मतलब बढ़ाते जाएंगे एक लिमिट तक ही तो चैनल की विड्थ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उसके बाद में वो क्या हो जाएगी? नियत हो जाएगी। तो एक निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रॉन और होल निकलेंगे कि नहीं? अगर पी चैनल होगा तो क्या निकलेंगे? होल। और एन चैनल होगा तो क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। पक्की बात है कि नहीं है? तो इस वाली बात को लिखो, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो लिखिए, देखो ये तो कार्य प्रणाली थी कि कैसे इसमें चैनल की विड्थ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पश्चिम बायस वोल्टेज को चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा। भाई अगर ये पश्चिम बायस में है तो गेट की धारा लगभग क्या होगी? जीरो होगी कि नहीं होगी? अरे भाई पश्चिम बायस में तो गेट की धारा नगण्य मान की प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? तो मुझे बताओ इनपुट पर है क्या? VGS और IG, और आउटपुट पर क्या है? VDS और ID। जैसे हमें BJT में भी तो देखा था कि वहां था अलग अलग चीजें थी,
इनपुट की वोल्टेज और धारा अलग थी और आउटपुट की वोल्टेज धारा अलग थी। तो लिखो VDS वोल्टेज का वह न्यूनतम मान जिस पर ड्रेन धारा बोले तो ID का मान नियत हो जाता है कॉमा क्या कहलाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। तो VDS वोल्टेज के जिस न्यूनतम मान पर ड्रेन धारा का मान हो जाए एकदम कांस्टेंट अर्थात चैनल की विड्थ क्या हो जाए नियत हो जाए, यह वोल्टेज ही क्या कहलाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज। दो चार बार अलग अलग एग्जामों में पूछा हुआ है कि VDS वोल्टेज का वह न्यूनतम मान जिस पर ड्रेन धारा का मान क्या हो जाए नियत हो जाता है क्या कहलाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। किसी को कोई बात समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके भेज सकते हैं, आपकी जो समस्या है उसको दूर कर दिया जाएगा। अगर ये एन चैनल होता तो यहाँ पर क्या प्रवाहित होते, होल, और डायरेक्शन करंट की क्या हो जाती, इसके जस्ट उल्टी। क्लियर है कि नहीं है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ग्राफ खींचने की, तो क्या VGS और IG के बीच में कोई ग्राफ खींचा जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये तो गेट करंट पहले ही जीरो है, इसलिए यहाँ पर ग्राफ किस किसके बीच में कहते हैं, ID और VDS के मध्य में। कब? जब VGS का मान क्या रखा जाए, नियत रखा जाए, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, तो VDS वोल्टेज का अधिकतम मान जिस पर ड्रेन धारा का मान क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ओके, हाँ जी। तो जरा दो तीन बातें और हैं पिंच ऑफ से जुड़ी हुई, तो इनको लिखते हैं। पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। तो एक छोटा सा विशेषता वक्र और है इसका, उसको हमें सीख लेना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, कभी भी कभार एग्जाम में पूछ भी ले तो हमें पता होना चाहिए। तो किस किस के बीच में बनाएंगे, ID तथा VDS के मध्य ग्राफ, किस किस के मध्य ग्राफ बना रहे हैं मेरे दोस्तों, ID ड्रेन धारा और ड्रेन से सोर्स के मध्य वोल्टेज के मध्य ग्राफ बनाते हैं। तो दोस्तों जब हम ग्राफ बनाते हैं तो किसका मान नियत रहता है, तो VGS के मान को क्या रखते हैं मेरे दोस्तों, नियत। मतलब जब आउटपुट का ग्राफ बनाते हैं तो इनपुट के वोल्टेज को नियत रखते हैं। साहब ऐसा क्यों? और जब हमने BJT का बनाया था आउटपुट का ग्राफ तो इनपुट धारा को नियत रखते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक धारा नियंत्रित युक्ति है, लेकिन ये कौन सी युक्ति है, वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है। इसलिए इसमें किसके मान को नियत रखते हैं, इनपुट वोल्टेज के मान को नियत रखते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। BJT है वो करंट कंट्रोल्ड है, इसे इनपुट धारा नियत रखते हैं। FET वोल्टेज नियंत्रित है, इसलिए इनपुट वोल्टेज को नियत रखते हैं। तो दोस्त अगर मैं ये ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ये जो ग्राफ प्राप्त होता है, ID और VDS के बीच में, तो दोस्तों VGS का मान मैं नियत रखूं और देखो VDS का मान मैं बढ़ाऊंगा तो ID का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, एक लिमिट तक ही तो बढ़ेगा, और उसके बाद में उसमें क्या हो जाएगा, अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये सैचुरेशन। तो ये VDS का वह मान है जिस पर क्या प्रवाहित होती है, अधिकतम धारा, और ये कंडीशन क्या मानी जाती है, VGS बराबर जीरो। कि VGS बराबर जीरो मतलब इनपुट टर्मिनल को क्या कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, अर्थात जब गेट टर्मिनल को क्या कर दिया जाए, शॉर्ट कर दिया जाए, उस समय जो अधिकतम धारा प्रवाहित होती है उसे हम कहते हैं IDSS। तो IDSS क्या है, गेट टर्मिनल को
शॉर्ट सर्किट करने पर प्रवाहित होने वाली धारा। अभी मैंने एक दो पेपरों में देखा था, इससे जुड़ा हुआ एक सीधा न्यूमेरिकल भी तुम्हारी एग्जाम में दिया हुआ था। तो वो वोल्टेज क्या है और वो IDSS क्या है, क्या पिंच ऑफ वोल्टेज है, इनके बीच का एक सूत्र होता है। अर्थात मुझे यदि ड्रेन धारा का मान निकालना हो, IDSS दे रखा हो, पिंच ऑफ वोल्टेज दे रखा हो, तो कैसे ज्ञात करें। ये अभी मैंने एक टेस्ट पेपर में देखा था कि DFCCIL का एक टेस्ट पेपर है, उस DFCCIL के टेस्ट पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उस सूत्र को भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई गारंटी थोड़ी है कि कुछ भी पूछ बैठे। तो दोस्तों, अगर मुझे ड्रेन धारा निकालनी है तो ड्रेन धारा का एक सूत्र होता है ID बराबर होता है IDSS। आ गया, ID क्या है, ड्रेन धारा, और ये क्या है तो ड्रेन धारा, लेकिन कब, जब गेट टर्मिनल को क्या कर दें हम, शॉर्ट। देखो VGS बराबर जीरो का मतलब क्या होता है, गेट का वोल्टेज क्या कर दिया, जीरो। जीरो वोल्टेज का मतलब गेट को क्या किया है, शॉर्ट ही तो करता है भाई, शॉर्ट सर्किट का मतलब जीरो वोल्टेज ही तो होता है। तो ID बराबर होता है IDSS 1 माइनस का VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से एग्जाम में अगर कोई न्यूमेरिकल बनेगा तो JN तक के पेपर में इससे ज़्यादा भारी न्यूमेरिकल नहीं बनता है। ये मैक्स टू मैक्स कंडीशन है जहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि ID क्या है, ड्रेन धारा है, VGS वोल्टेज मैंने आपको बता दिया, और VP क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज है। VP क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज है। VP क्या है मेरे दोस्तों, पिंच ऑफ वोल्टेज है, ओके ना। हाँ जी, IDSS क्या है, गेट टर्मिनल को शॉर्ट करने पर प्रवाहित होने वाली धारा। ID क्या है, ड्रेन धारा। VP क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज। और VGS कितना है कि जो हमें वोल्टेज दे रखा है। कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो बोल देगा कि शॉर्टेड गेट टर्मिनल धारा 10 मिली एम्पियर है, इसका मान बोल देगा माइनस का 2 वोल्ट, और इसका मान है माइनस का 4 वोल्ट, तो बताओ ड्रेन धारा क्या होगी। ये DFCCIL में सीधा आया हुआ है, मतलब सिर्फ सूत्र में मान ही रखने थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था। तो ID बराबर IDSS 1 माइनस का VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा ID और VDS के मध्य का ग्राफ। हालांकि तुम्हारी किताब में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, फिर भी मैंने कई एग्जामों में देखा है कि ड्रेन धारा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो आपको चूक नहीं करनी है, दो लाइन की ही तो बात है। तो अब इसके संबंध में, फैट के संबंध में अंतिम बात करेंगे, और वो अंतिम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन, भाई काम में तो लेंगे कहीं ना कहीं, नहीं तो क्या मतलब है फालतू बीमारी पढ़ने का। तो अब लिखो अनुप्रयोग, किसके, फैट के। अब वो चाहे एन चैनल फैट हो चाहे पी चैनल फैट हो, तो अनुप्रयोग अर्थात इसके उपयोग की बात करेंगे। तो दोस्तों अनुप्रयोग में बात करूं तो इसका उपयोग जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर होते हैं, आजकल नए आ रहे हैं ना, पहले EDM टाइप, MI टाइप ये होते थे, और आजकल कौन से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर में किसका उपयोग किया जाता है, फैट का। इसके अलावा ऑसिलोस्कोप मतलब CRO में भी किसका उपयोग किया जाता है, फैट का। इसके अलावा TV और जो हमारा FM है उसके रिसीवर में जो मिक्सर होता है, उस मिक्सर में भी किसका उपयोग किया जाता है, फैट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा छोटे जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, FET का। तो अनुप्रयोग लिखो भाई, अनुप्रयोग में पहला लिखो, देखो अनुप्रयोग बहुत सारे हो सकते हैं, तो लिखो CRO कोमा, CRO की जगह ऑसिलोस्कोप भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर में, किस किस में, CRO में, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर में। दूसरी बात किस में बात करते हैं, TV और FM रिसीवर के मिक्सर परिपथ में,
या मिक्सर में या मिक्सर परिपथ में। अगर और अनुप्रयोग की मैं बात करना चाहूँ तो इसका उपयोग FM के जो एम्पलीफायर होते हैं उसमें भी किया जाता है। और एक अनुप्रयोग और लिख लो कि इसका उपयोग छोटे छोटे कंप्यूटर के मेमोरी एलिमेंट में, मेमोरी एलिमेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके अनुप्रयोग हो गए किसके, FET के। एक बात बताऊं दोस्तों, आप देखा होगा कि जब भी मैं क्लास लेता हूं तो बीच में मैं कोई फालतू भाषणबाजी करना थोड़ा सा कब पसंद करता हूं, क्योंकि पढ़ते समय मूड किसका होना चाहिए, पढ़ाई का ही होना चाहिए। सब समझदार हैं, किसी को फालतू ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो क्लास है उसको ढंग से प्रॉपर पढ़ो, आप लोगों को लिए बहुत काम की होगी। आप में से जो दोस्त पहली बार आए हैं चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो फैट के लिए तो केवल इतना ही, ITI स्तर पर केवल इतना ही होता है, बाकी आगे पढ़ोगे तो कॉन्फिग्रेशन भी इसके होते हैं, लेकिन आपको वो जानने की जरूरत नहीं है। अक्सर एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी पेपर को देते हो, मान लो कि कोई पेपर दिया उसमें थ्योरी के कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। जैसे कि अलग अलग जगह एग्जाम है, कि अभी एक पेपर हो रहा है UPPCL का, UPPCL JEE का पेपर हो रहा है, और UPPCL JEE के पेपर में दो सब्जेक्ट नए आ गए। अब एक सब्जेक्ट आ गया PLC और एक आ गया SCADA, मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल स्कीम। तो SCADA और PLC के क्वेश्चन आ गए, तो बच्चों में क्या आकार मच रही है कि 20 क्वेश्चन तो PLC SCADA क्या रहे, अरे इतना लोड क्यों लेते हो। PLC SCADA यदि तुमको नहीं आती है तो और को भी नहीं आती है, फिर इसमें सोचना क्या, कंपटीशन तो बाकी चीज़ों में ही है। इसी प्रकार एग्जाम में आप किसी भी टीचर की थ्योरी पढ़ लो, अगर 100% क्वेश्चन कवर हो जाए ना तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो 100% थ्योरी में कवर हो जाए। कुछ चीज़ें होती है हमेशा ही एडवांस होकर के आती है। अगर तुम उन 10 क्वेश्चनों के चक्कर में, उन 8 क्वेश्चनों के चक्कर में अपना दिमाग खराब करोगे, या उन 8 क्वेश्चनों को पढ़ने की कोशिश करोगे ना ज़्यादा, तो तुम 90 को छोड़ दोगे, तो तुम्हारे पास में ना तो नौकरी रहेगी और ना कुछ बचेगा। इसलिए कोशिश ये करो कि हमको 90% कवर करना है पहले, वो 10% अगर हो जाए तो ओके, और आप जानते हो कि किसी भी एग्जाम के 100 में से 100 क्वेश्चन संभव नहीं होते हैं कर पाना। तो ये थोड़ी चीजों है उनको फोकस करो। आपकी आदत क्या होती है कि 5 क्वेश्चन नए आ गए तो सिर्फ उन्हीं पे लगे हुए 2 महीने तक, और बाद में पता लगा एग्जाम में फिर उल्टे मुंह की खाते हो। तुम्हारे गलती से मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग हमें क्या बोलते हैं इसको, कि फिल्टर कैसे बनाने के लिए करते हैं, आप वो फिल्टर पढ़ लिया आपकी बार OPAM का, अगली बार आ जाएगा कि OPAM का उपयोग बताओ डिफरेंशियल एम्पलीफायर के रूप में कैसे करते हैं, फिर अगली बार उसको रट लेना। तो भैया कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो थोड़ी एडवांस होती हैं, जो तुम्हारे आपे से बाहर की होती है। इसलिए प्रिपेयर करो कि 90% तो कवर हो। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा कि तुमको डीमोटिवेट होना है, उन पे नहीं फोकस करना है, लेकिन पहले उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपको आती है, जो आप सीख सकते हो। बच्चे क्या होते हैं कि जो आता है ना उसको तो पढ़ते ही नहीं है, और जो नहीं आता है ना उस पर फोकस करते हैं, वो 10 क्वेश्चनों पर फोकस करते हैं 90% क्वेश्चनों का समय बर्बाद करने के लिए। इसलिए कोशिश ये करो कि पहले 90% को कवर करो। अगर 90% चीज़ कवर हो जाएगी ना तो सिलेक्शन तो 70% पे हो जाता है मेरे बेटा। ठीक है, तो ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी समझदारी भी रखो, आकार मचाने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर के लिए केवल इतना है।